लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा का निर्णय लिया था। उनका इलाका डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई और कार्यपालन के वापसी की मांग करने का था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए निकला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा हो। सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है। प्रभात एरिया और सभाएं करने पर प्रतिबंध लग चुका है। 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की मांग ली। बाग में हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे। तभी रुक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ गए। गड़ी संक्रिय होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न हाल खाली करने का आदेश और न ही सभा भंग करने की घोषणा। आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहे हैं।